नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसी को लेकर के अलग अलग जिलों से जैसे वैकेंसी निकल रही लगातार हम आपको सूचित कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो जिलों की बात ऑलरेडी कर ली है वो आप वीडियोज में देख सकते हैं, और जो जिला आपको जानना हो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जो कमेंट आ रहे हैं हम लगातार उन पर नजर बनाए रखे हैं। जैसे वहां से वैकेंसी आती है हम आपको सूचित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है, गणित विषय और भाषा हिंदी और संस्कृत विषय की। चाहिए क्या, तो ग्रेजुएशन पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक यानी ग्रेजुएशन हो चाहिए और अपर प्राइमरी का टेट होना चाहिए गणित विषय के लिए। इसी प्रकार भाषा हिंदी और संस्कृत में भी वही हिंदी और संस्कृत से स्नातक होना चाहिए, अपर प्राइमरी का टेट होना चाहिए। एक एक वैकेंसी है टोटल, और यहाँ पर सामान्य में ही दोनों वैकेंसी है, 24,200 रुपए मानदेय है। अब अंशकालिक शिक्षिका में देखेंगे तो कंप्यूटर विषय की भी वैकेंसी है, स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा की भी है। यहाँ पर कंप्यूटर के लिए तो आपका कोर्स होना चाहिए PGDCA BCA BSc कंप्यूटर साइंस स्नातक सहित दो एक लेवल का, और ओ लेवल ए लेवल डिप्लोमा आदि। एक वैकेंसी है और एक वैकेंसी आपकी जो है वो सामान्य में और एक अन्य पिछड़ा वर्ग में, टोटल दो वैकेंसी है। लेखाकार की जो वैकेंसी है यानी अंशकालिक शिक्षिका में स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षिका की जो वैकेंसी है BPED CPED DPED चाहिए, एक वैकेंसी है टोटल सामान्य में और एक पिछड़ा वर्ग में, टोटल मिला करके दो आपके यहाँ पर वैकेंसी है। लेखाकार की जो वैकेंसी है वो स्नातक वाणिज्य तथा MS ऑफिस पर कार्य का ज्ञान होना चाहिए। ये जो वैकेंसी ना, इसमें देखिए कोई सीटेट डीटेट का या अपर प्राइमरी का टेट ऐसी कोई डिमांड नहीं होती है, देखेंगे केवल MS ऑफिस पर ज्ञान चाहिए होता है। एक ही वैकेंसी है ये भी, वो भी अन्य पिछड़ा वर्ग में। अब मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार सभी के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण ही मांगा जाता है। एक वैकेंसी मुख्य रसोईया में है और दो इसमें, एक जो वैकेंसी है ना वो सामान्य में अनुसूचित जाति में दो है, अन्य पिछड़ा वर्ग में एक है, टोटल 4 वैकेंसी है। हम टोटल 4 की बात कर लें, बाकी एक क्रम से आप देख सकते हैं। सहायक रसोईया में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पर अकेले 8 वैकेंसी तो आप देख रहे हैं सामान्य वर्ग में ही है, 5 अन्य पिछड़ा वर्ग में है और एक एक वैकेंसी अलग अलग बटी है, टोटल 15 वैकेंसी है। चपरासी में 2 वैकेंसी है और एक वैकेंसी, टोटल 3 है। चौकीदार में 3 एक करके टोटल 4 है, कुल मिलाकर के आपकी 33 वैकेंसी है, 18519 इस तरीके से डिवीजन है। तो 33 वैकेंसी के लिए ये आवेदन निकाला गया है। कौन से जिले से है, अलीगढ़ से ये आवेदन निकाला गया है। तो अपना जिला कमेंट कर दीजिएगा, हम देखते रहेंगे कोई वहां से वैकेंसी आती है कस्तूरबा गांधी की तो बता देंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जनपद अलीगढ़ में संचालित, जो गंगौरी, अतरौली, बिजौली, नगर क्षेत्र, अलीगढ़, अकाराबाद, चंडौस, गोंडा, जवा, खौर, लौदा, टप्पल, इसमें सेवा अनुबंध के आधार पर नियत मानदेय पर पदों पर महिला कर्मियों की आवश्यकता है। यहाँ पर एक चीज और नोटिस करेंगे कि जो 33 पद हैं इनको लेकर के NIC की वेबसाइट है, इस पर भी आप जा सकते हैं आवेदन फॉर्म वगैरह डाउनलोड करने की। लास्ट डेट जो है वो अक्टूबर में है, 3 अक्टूबर 2024 शाम के 5 बजे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र लोधा भीमानगर TVS शोरूम के सामने वाली गली सूतीमल चौराहा अलीगढ़ 20-2001 की। केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। ये एड्रेस इतना डिटेल में इसलिए दिया गया ना क्योंकि आपको ऑफलाइन ही फॉर्म भरना होता है, तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए पूरा एड्रेस भरना पड़ेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिशा निर्देशों की बात की गई है कि समस्त उप जिलाधिकारी जनपद अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ ये विज्ञप्ति वगैरह को लेकर के, ऐसा इसमें कोई खास नहीं है कि कहाँ कहाँ इसको प्रकाशित करवाया जाएगा। आगे बात करते हैं तो इसी को लेकर के रिक्त पदों का विवरण अलग से भी दिया गया है इसमें। कारण ये है क्योंकि ये जो विज्ञप्ति है इसको पेपर में, न्यूज़पेपर वगैरह में भी छपाया जाता है, इसलिए इस तरीके से अलग से भी पूरी विज्ञप्ति दी गई है। बाकी इसमें जो आपका चयन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, और मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, इन सभी के लिए जिसमें कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा गया है उनको लेकर के शारीरिक अक्षमता और संक्रामक रोग से वो ग्रस्त नहीं होने चाहिए। और जो लेखाकार वाली वैकेंसी है इसमें आपका MS ऑफिस पर ज्ञान होना चाहिए, ओ लेवल वगैरह डिप्लोमा या इसके समकक्ष योग्यता है, तो आपका यहाँ पर वरीयता आपको दी जाएगी। एज की बात करें 1 अप्रैल 2024 को 25 साल, अधिकतम आयु 1 अप्रैल 2024 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ऐसे शिक्षक या शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हैं किंतु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित रह गए, उन शिक्षकों के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्तियों के सापेक्ष नवीन चयन में, अगर मतलब कहने का वही है कि आपको पहले से अगर कार्यरत वगैरह है तो वहां पर आपको एज में भी छूट दी जाती है और आगे आपको बताया जाएगा कि नंबर में भी छूट जो है वो दी जाती है। चयन प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया कि ये आपका मेरिट बनती है। हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, प्रशिक्षण, हाई स्कूल के जो नंबर होंगे उसका 10%, इंटरमीडिएट का 10%, ग्रेजुएशन का 20%, जो प्रशिक्षण आपने ले रखा है सीटेट वगैरह जैसे तो उसका 30%, और भारांक जो है अगर आप पहले से कभी कार्यरत हैं तो 2 अंक का भारांक को मैक्सिमम 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। बाकी यहाँ पर जो अलग अलग अंक हैं कि कितने जो रसोईया वाली है ना उसके लिए कितना कितना, तो साक्षात्कार 50 अंकों का जिसमें शारीरिक क्षमता भी देखी जाएगी 20 नंबर की, पाक विद्या मतलब खाना बनाना भी देखा जाएगा 20 नंबर का, और अनुभव देखा जाएगा 10 नंबर का। साथ ही साथ
चपरासी और जो चौकीदार का पद है वो पूर्णकालिक है, और इसके साक्षात्कार के लिए 25 अंक है, 50 अंक है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 25 और सामान्य ज्ञान के लिए 25। अन्य नियम और शर्तें भी यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं, जिसमें आप को ऐसी कोई खास शर्त देखने को मिलेगी, वो है पॉइंट नंबर 6 में, जहाँ पर ये पूरा एड्रेस दिया गया। ये एड्रेस आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि इसी पर ही आपको पोस्ट करना है। साथ ही साधारण डाक या कोरियर से प्राप्त आवेदन नहीं स्वीकार किए जाएंगे, क्लियर किया गया है। आवेदन पत्र के साथ आपको 2 स्वप्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंग पत्र, प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रीय अधिकारी द्वारा 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छाया प्रतियां तथा अपना पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के निर्धारित शुल्क जो है उसके डाक टिकट लगे द्वारा अवश्य संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम, आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें, और अगर आधा अधूरा आपने लिखा है तो वो आपका स्वीकार नहीं होगा। बाकी ये भी लिखा है कि जिस पद के लिए आवेदन आप कर रहे हैं वो भी आप क्लियर करें। बाकी यहाँ पर एक आवेदन प्रारूप देखने को मिलेगा, जनपद अलीगढ़ में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन के लिए आवेदन, जिसमें आवेदित पद का नाम, विषय अभ्यर्थिनी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि 1 अप्रैल 2024 को, हाई स्कूल 8वीं प्रमाण पत्र के आधार पर आयु, ईमेल, आपका जो भी शैक्षिक अर्हता है, जिसमें आपका सारी हाई स्कूल इंटरमीडिएट से लेकर सारी आपको भरनी है, आखिरी में घोषणा पत्र। तो ये था पूरा फॉर्म, बाकी मैंने पहले स्टार्टिंग बता दिया, अपना जिला कमेंट बता दीजिएगा, कोई आती है सूचना तो वहां से हम आपको सूचित कर देंगे। कोई प्रश्न कमेंट पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।